कमल साहब, वहां पर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से इलेक्शन के दौरान बातें हुई थी, आप अभी भी समझते हैं कि बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल मौजूद है और सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मौजूद हैं? बिल्कुल, सियासी रहनुमाओं को थ्रेट्स मौजूद हैं, वो उनको जो कि खासकर पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। अच्छा, और बिल्कुल, ये जो टेररिज्म एक्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो चुन के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन के दौरान हुआ, अगस्त जैसे मंथ में हुआ, ठीक ईद के है। दौरान हुआ, ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस हो, वो हाँ डरें। हाँ लेकिन माजी में जो लापता अफराद की बात थी, माजी में इंसानी हुकूक के जो वजीर थे रियाज पीरजादा साहब, उन्होंने हमारे शो में कहा था कि बलूचिस्तान के कई लोग जो हैं जो लापता हो जाते हैं वो बैरूनी मुल्कों के हाथों असल में इस्तेमाल होते हैं। आप वाकई समझते हैं, वहाँ पर आप वजीर भी रहे हैं, आप समझते हैं कि इस बयान में हकीकत है कि हमारे अपने लोग जो दीगर एजेंसियाँ हैं दुश्मन मुल्कों की उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? मिसिंग पर्सन का जो इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसको अगर आप बिगर पिक्चर में देखें, इसको फिल्टर करने की ज़रूरत है। उसी बात पे मैं वापस आ रहा हूँ कि फिल्टर हम इस तरह करेंगे कि कुछ ऐसे मिसिंग पर्सन हैं जो जेन्युइन हैं, उनको ठीक इंसाफ है, देने चाहिए। जेन्युइन मिसिंग पर्सन से मुराद के अनफेयरली अबडक्टेड, फोर्सफुली अबडक्टेड। हाँ लेकिन दूसरा कैटेगरी इनमें यह है कि जो खुद अपने कंसेंट से बाहर गए हैं, ठीक है ठीक ना है। जी, और उनको तो कोई भी इदारा जोर लगाए वो नहीं वापस ला सकता। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बॉर्डर, क्योंकि बलूचिस्तान एक बफर जोन है ईरान और अफगानिस्तान के साथ, हमारा हाँ, तो बॉर्डर आपकी नजर में कितने लोग हैं जो जेन्युइन हैं जो लापता हैं? जो नंबर फ्लोट की जाती है तो बहुत एग्जैजरेटेड है। अच्छा, लेकिन जब तक ये मामले का जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने नहीं आते, वो तभी आएंगे जब हम एज ए गवर्नमेंट, हम उनके लवाकिन के साथ बैठेंगे, बैठेंगे। हर डिटेल को वेरीफाई करके, हाँ उनकी सीएनआईसी नंबर, डेट ऑफ अबडक्शन, नाम नहीं, वगैरह लेकिन जमाल दे साहब, के फिर। वो जान अचकजई साहब ने कहा था ना कि यहाँ इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं वो किसी एजेंडे के तहत है, तो आप समझते हैं कि वाकई वो एजेंडा लेकर आए थे? क्योंकि वो तो कह रहे जो थे जो हमारे प्यारे हैं उनको आप सामने लाएं। नहीं, इसमें ये था कि जो डिमांड्स उन्होंने पेश की थी, जैसे कि सीटीडी डिसफंक्शन होने का डिमांड, क्योंकि सीटीडी एक ऐसा इदारा है जो कि टेररिज्म पे काम करती है, तो सीटीडी को डिसफंक्शन करने का मकसद यही है कि हम टेररिज्म को प्रमोट करें। दूसरी बात, उन्होंने रखा यूएन, यूनाइटेड नेशंस को हम कि कमेटी बुलाएंगे, बनाए। कमेटी बनी। हाँ यूनाइटेड नेशंस को बुलाने का मकसद यह है कि हम बैरूनी जो पावर्स हैं उनको पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में मुदाखलत की मुदाखलत, इजाज़त देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सोवरेंटी को खतरा है। हाँ तो इस लिए जो एक तो पलाया जा रहा था कि एंटी स्टेब्लिशमेंट। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके तस्वीर यहाँ लगे थे और वो पहाड़ों में बैठकर कार्रवाइयाँ कर रहे अच्छा, थे। जो मच अटैक हुआ उसमें इलेक्शंस के दौरान एक बंदा मारा गया था और उसकी बहन इसी कैंप में बैठ कर कह रहा था कि मेरा भाई मिसिंग है। तो ये कुछ ऐसी तो चीजें सर हैं फिर जो आप कि उनको, नैरेटिव को आप नहीं डैमेज समझते कि करते फिर हैं। उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो लवाकी यही ने उनको बताना चाहिए, जो तफसीलात हैं वो सामने रखें, उनको सुने? बिल्कुल जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, हाँ, गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए, तो वो बुगटी साहब को क्या उनको करना वेरीफाई। चाहिए? बुगटी साहब कमीशन बनाएं, उनके साथ बैठें, या आपकी नजर में क्या करना चाहिए? कमीशन बननी चाहिए मिसिंग पर्सन्स की, लेकिन ऐसे लोग लाएं जो कि ट्रुथ सीकिंग की तरफ बढ़ें, ये नहीं कि गुमराह करें, नैरेटिव को भी गुमराह करें, गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करें, ये नहीं होना चाहिए। सही, फैक्ट्स एंड फिगर्स लाएं, उनके ही बंदे आएं, गवर्नमेंट के साथ बैठें, वेरीफाई करें अपने लोगों को, फिर बात हो।